देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गायों से प्रेम जग जाहिर है। लखनऊ के सीएम हाउस के बारे में तो पता नहीं, लेकिन वो जब भी गोरखधाम मंदिर जाते हैं गायों की सेवा करना नहीं भूलते। वो अपने हाथों से गायों को खिलाते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं और उनकी सेहत की जानकारी लेते हैं। लेकिन अब गायों को लेकर योगी सरकार की एक बड़ी प्लानिंग के बारे में सोशल मीडिया पर हैरान करने वाला दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार यूपी में काउ सफारी शुरू करने वाली है। ये दावा तो वाकई हैरान करने वाला है, लेकिन इसकी प्लानिंग ऐसे जुड़े कोई भी जानकारी कहीं नहीं मिल रही थी, लिहाजा इस पर सवाल तो खड़े होने ही थे। सबसे पहला सवाल तो यही कि इस दावे में कितना दम है। क्या वाकई योगी सरकार काउ सफारी शुरू करने जा रही है? अगर हाँ तो अगला सवाल ये कि इससे क्या फायदा होगा, और चौथा सवाल ये कि काउ सफारी कहाँ बनाया जाएगा। वायरल दावे की हकीकत का पता लगाना जरूरी था और ये काम इन सवालों के जवाब तलाशे बगैर नहीं हो सकता था, लिहाजा स्टेज की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसकी जांच करने का फैसला किया। गायों से योगी का लगाव देखकर लगता था कि ये खबर सही भी हो सकती है, लेकिन यूपी सरकार ने प्लान के बारे में पक्के तौर पर कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी बीच हमें पता चला कि यूपी सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काउ सफारी शुरू करने का प्लान कर रही है। हमने जब अपनी पड़ताल को और आगे बढ़ाया तो यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का एक वीडियो मिला। इस वीडियो के मिलते ही सारे सवालों के जवाब एक एक कर सामने आ गए। कोई लाइन सफारी की तर्ज पे नहीं है। हम चूंकि गौवंश के प्रति आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार पूरी तरह जागरूक है, गौवंश की सुरक्षा और रक्षा करना हमारा काम है। जहाँ हमारे बड़े बड़े फार्म हैं, जहाँ बाराबंकी में हमारा 2,500 एकड़ का फार्म है, महाराजगंज है 500 एकड़ से ज़्यादा फार्म है, हम एक प्रयोग के रूप में पहले एक सफारी बनाना चाहते हैं। मंत्री जी की बातों से इतना तो साफ हो गया कि इस दावे में दम है। हालांकि अभी काउ सफारी को लेकर कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार इसके लिए काम कर रही है। अब अगला सवाल ये था कि इससे क्या हासिल होगा। पर्यटक के रूप में भी उस स्थल को ठीक किया जाए, क्योंकि जिस तरह से कोई अन्य जानवरों की सफारियों को देखने के लिए जाया करते हैं, उस तरह कोई गायों की सफारी को भी देखे, इसलिए हमने ये विचार बनाया है, जिस पे हमारी कार्रवाई प्रारंभ है। और जैसे ही हम इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो फिर इसका प्रयोग करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इसका निर्देश प्राप्त करेंगे। मंत्री जी की बात से ये भी साबित हो गया कि योगी सरकार इसके जरिए टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है। योगी सरकार की ये योजना अगर अच्छे से सिरे चढ़ती है तो इससे सरकार को कितना फायदा होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन छुट्टा घूमने वाली गायों से परेशान किसानों को काफी फायदा हो सकता है।